तो मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और नया ब्लॉग है कि मैं जा रहे हैं मेरे ससुराल, क्योंकि मेरे जैसे आप लोगों को बताया था मेरे बड़े ससुर जी ख़त्म हो गए हैं, तो उनके तैरमी में मैं जा ही रहे हैं। तो आज मैं जा रहे हैं अपने ससुराल, तो हमारे साथ बने रहिए और चलो चलते हैं मेरे ससुराल और देखते हैं मेरे क्या उम्र। बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े थे 80-90 साल के थे, लेकिन फिर भी आप लोग देखना। तो हम निकल चुके हैं वहाँ से और देखो ये रास्ता में मंदिर भी है माता जी का, है देखो माता जी का मंदिर है। अब हम जा ही रहे हैं और रास्ते में मिले मेरे देवर जी, ये देखो मेरे ऊपर ये देखो वो भोले बैठे हैं बिल्कुल कांच के किनारे, सब बैठे हैं। लल्ला भी आ ही रहे हैं और हम भी पहुंचने वाले हैं ना। ये सिर्फ ये हाय करते हैं, कुछ बोलते हैं हाय गए हैं, ये बैठे देखो। तो हम उतर गए हैं सही टाइम पे, इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे कुछ कहने नहीं। देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा है। ये लल्ला मेरे जर्दा खाई रहे रिकॉर्डिंग कर रहे जे खड़े है और मेरे चाचा ससुर आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। देखो हम उतर चुके हैं, तो हम निकल चुके हैं। तो हम आ गए हैं और भूला गया टिकट लेने के, टिकट लेने के लिए गए है। तो देखो ये देखो सब टिकट ले लेके बैठे हैं, टिकट ले हैं। ये देखो कितनी भीड़ भी कितनी है, सब पड़े हैं लेटे हैं। तो देखो मेरे चाचा ससुर ठाड़े हैं और ये गए हैं दवा लेने के लिए सर दर्द की, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द रहा था इसलिए वो दवा लेने गए हैं और संगे गए हैं मेरे लल्ला। तो देखो और हम ठाड़े हैं टिकट, और भोला चाचा ससुर खड़े हैं और भोला टिकट लेने गए हुए, और हम ये दूर खड़े हैं काहे के मारे कि पास जाए तो मेरे को घूंघट मारना पड़े तो जाके वजह से। तो देखो गाड़ी का टाइम भी उग रहा हुआ है, सब जने इधर बाथरूम करने के लिए गए सब जने। तो देखो हमसे ज़्यादा हमारी खूबसूरती अच्छी लग रही है, देखो कितने सुंदर हैं। काश हम भी चश्मा लगा पाते, हम चश्मा नहीं लगा सकते फिर ये फेल हो जाए ना, इसलिए हम चश्मा नहीं लगाए, हम बगैर चश्मा अच्छे लग रहे हैं सही। तो हम पहुंच चुके हैं और देखो कितना अंधेरा है और हम लोग तैयार हो चुके हैं क्योंकि उतरने का भी समय आ गया है। सुनसान आगरा जाओ जब अच्छा लगा था, सुबह उतरो आराम से। आखिर में हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी स्टेशन आने वाला है, हमारा स्टेशन आने वाला है। हम आए गए गेट के बाहर खड़े हो गया है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा नहीं रुके, छोटा स्टेशन है। हाँ कोई बात नहीं, छोटा स्टेशन है और हम आए गए हैं खड़े हैं, और हमारे साथ हैं मेरे देवर जी भाने चाचा ससुर, तो वो दूसरे डब्बा में दो डब्बा छोड़ दिया है। तो उनके दिल कॉल हो चुकी है, तो उनने बोला है कि भाई मैं भी तैयार हूँ
क्योंकि ये 2 मिनट गाड़ी खड़ी हुई है, 1 मिनट तो जल्दी जल्दी उतरना रहा था एक वजह से। तो चलो भाई, सर्दी है और सर्दी में पहली बार इतना सफ़र हमने कर रहे हैं, वो मजबूरी है मेरी सफ़र करना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है जैसे मैंने बताए रखा है। तो चलो देखते हैं, ये वो देखो मेरे चाचा ससुर लल्ला भजत भाई आई रे, ये गाड़ी है और हम उतर चुके हैं स्टेशन पे। देखो इतनी रात को उतरी है गाड़ी, तो अभी खड़ी है 5 मिनट की गाड़ी कह रहे थे 1 मिनट की उतरने की, तो गाड़ी खड़ी है, ये देखो चल रही गाड़ी, बिना 5 मिनट 1 मिनट ही खड़ी हुई, 2 मिनट खड़ी हुई। हाँ तो फिर तो देखो पीछे आ रहे, अभी 10 मिनट भी खड़ी हुई, लेकिन चलो सही है। तो ये देखो ये आई रहे, देखो ये आज वो औरत तय हुआ यार, थाना बैठेंगे आगे थाने के नहीं, तो भिड़न ने सुबह 10 बजे मार गो, 11 बजे तो भानो जाना है, भानो सेक्टर में सब बंद कर दे पूरी पूरा डाल दो, फोर व्हीलर ही मांग रही तो मोटरसाइकिल देंगे, फोर व्हीलर आई थी ले तेंदुआ कहाँ थे आए थे, तेंदुआ पूरे जंगल ही जंगल तो है, सारी माता पर पे आए 4 या 5। हाँ तो पहले ये तो हम आओगे हुए हैं डोमरिया स्टेशन में, आओगे लोग ये कहाँ जा रहे तो स्टेशन पे नहीं आई जी, ए हाथ कहाँ थे आए वो तो जंगल में रहते हैं, जैसे हम रोड पे सुनसान रोड है तो वहाँ कोई जाए आदमी मान लो अकेलो दिख जाए तो वहाँ पर हमला कर दे। देखो ये नई खुशखबरी मिल गई है, पता लगे हम किसी और के कार्यक्रम में आए, खुद का ही कार्यक्रम बन जाए। तो हम पहुंच गए मेरे ससुराल और ये देखो ये नई के तेंदुआ काई जे तेंदुआ आवे लो चाचा ससुर फिर बीड़ी पी हम गए, आओ के क्यों वो का नाम तो जय वो चीता पीता निकलो जे 12 टाइम है फिर वो नहीं आता, वो तो कोई काम पास आओ तो वो भेड़ भेड़ खाएगा तो जानते ही हो तुम है ना, इस तो वो ले ना गाड़ी वाली बंद वाली ले भैया, क्या लाला बंद वाली गाड़ी में गई हो, टेम्पू टेम्पू किसको बोलते हैं ये पता नहीं ना, टेम्पू लोडिंग को बोलते हैं 10,000 रुपये पर डे को लोडिंग को। अरे पहले की यहाँ पे थी ना होटल, ये नहीं होता है, ये नहीं पर बंद है, 5 बजे से वो टाइमलाइन लगेगा। हाँ हाँ 4 बजे अब क्या है, टाइम टेबल बदल दो भैया, 4 बजे आती एक घंटा पीछे खुल जाती दुकान, हम ना बोले अब 6 बजे खुले है, से आप लोगों ने भी सुना है कि हम उतरे हैं और जहाँ मेरी ससुराल है वो डांग है, डांगन में है, मतलब जंगल में है ससुराल, मतलब रास्ते बहुत जंगल पड़ा था। तो जैसे वो ये रेलवे वाले भैया कह रहे हैं कि 2 चीते हैं और जिन्हें 2-4 भेड़ियाँ खाई डा रही है, अब हम लोग बच गई 2 और हमें जाना है और आ ही रहे हैं मोटरसाइकिल से लेने, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मोटरसाइकिल तो खुली होते है और चलना होता है, तो हम कह रहे हैं कि बंद वाली गाड़ी मंगा लो क्योंकि डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि जब जंगल है और चीते खुले हैं तो हमला कर सका था भैया, अब इतना डर टेंशन दे दी सुबह सुबह, कुछ कह ने फ़ोन करवाया कि बोलेरो लेके आना, क्योंकि लगे तो लगे कि राव भैया दी जान से बढ़ के कुछ नहीं है, और पता लग रहा है कि हम आए हैं चाचा ताऊ की में क्रियावार में और खुद का ही क्रियावार बन जाए, ऐसा भी नहीं कि भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी भारी टेंशन वाली बात हुई कि मेरे लिए, तो कि क्या करें अभी मास्टर रेलवे मास्टर को तो सब कुछ पता है यहाँ के बारे में, क्योंकि नॉर्मल है गाँव के बगल में आए तो सारी जानकारी उड़ता ही है हवा में, ऐसे ही गो है। तो आप लोग देखते रहना क्या होता है क्या नहीं होता है, समझने यार बहुत बड़ी टेंशन है। देखो रेलवे दिखाऊं जो बता रहे ना उनको दिखाऊं, और मैं ज़्यादा जोर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ एक तो ये गांव के हैं ज़्यादा जानते नहीं हैं, ऊपर से मेरे साथ में चाची ससुर हैं तो वो क्या सोचें कि बहू क्या कर रही है, थोड़ा समझ में फ़र्क पड़ा था ना, तो इस वजह से तो हम दिखा रहे हैं आपको मास्टर
टेलर, ये रेलवे मास्टर। तो हम हैं अपने ससुराल के रेलवे पे। देखो ये देखो, ये लोग है ना बातें कर रहे, पंचायत ठोक रहे। गाड़ी तो आई नहीं, पर मेरे घर वाले सफरे जंगल में लकड़ियां ढूंढने लगे, क्योंकि तप लगाए। वो देखो मेरे, वो देखो चाचा जा रहे। चाचा का छोटा सा भी एक टांग लो बगल में। और चाचा तो घूम फिर के आए, पर कपड़ा तो लाओ नहीं चाचा। देखो हाँ, तो ये देखो अबे तपला वगाओ जाए। अरे अबे बोला भी ढूंढने तोड़ने लगा लकड़ियाँ। देखो देखो ये लोग, देखो कैसे कर रहे हैं। ये कौन चला रहा? देखो हाँ हाँ, यही जला लो। देखो अब हम लोग जा रहे आग लगाने के लिए रेलवे स्टेशन। देख सकते हो ठंड पड़ रही है। और ये देखो लल्ला मेरे और सब जने इकट्ठी कर रहे पन्निया कचरा और जलान जा रहे हैं स्टेशन के बाहर, क्योंकि कोई लेने अभी आया भी नहीं लेने। और दूसरी बात है, बोल रही है तेंदुआ है बहुत बड़ा, दो तेंदुआ है तो डर के मारे भाई अच्छे से साधन लेके आइयो, कहीं ना कहीं डर तो लगता ही है। तो जय की वजह से तो हम लोग तापने जा रहे हैं स्टेशन के बाहर। अब देखना देखो बड़ा मज़ा वाला इंटरेस्ट है, एक तरफ डर भी लग रहा हो एक तरफ मज़ा भी आ रहा है। देखो तो ये लोग कैसे जैसे नहीं कप कप आए गए, आग ही चाहिए, आग ही तापने के लिए आग ही चाहिए। मुझे ठंड तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रही ठंड के वजह से थोड़ा। बोला तो बिल्कुल ही घुस घुस जंगल के अंदर। ये स्टेशन क्या जंगल ही है एक तरफ से, देखो छोटा सा स्टेशन है। देखा छोटा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ कोई नहीं मिले, सिर्फ एक ये रेलवे मास्टर मिले, सिर्फ एक ओनली एक। उसने भी इतना डरवाई दो है कि कुछ कहने के नहीं। देखो तो ओढ़ने के लिए नहीं लाए कुछ, इनकी तो लग गई तप। अरे हल्का चदरा तो ले लेते। देखो अब गाड़ी जब आउत रहे तब आउत रहे, हाल फिलहाल लग गई आग भाई। देखो स्टेशन के बाहर जल गई आग। भोला को ठंडी लग रही, भोला लुइया ओढ़ के आई रहा बेचारा कब कब आए। तो ये भोला है, ये इतना ठंडा ही हुआ है। मूड पे से ओढ़ा ना, मूड पे से हम तो मूड पे से बचती है। कोई भरोसा है कहाँ पे हुआ ही जावे। चार है, एक भी नहीं है साला। आवाज तो आ रही गाड़ी की। मटकत मा तो ये देखो, तप लग रहा है। गाड़ी का आवाज आए तो रही है, कोई धमचुक 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 वही है। तो गाड़ी की भी आवाज आएगी भैया। तो ये देखो इन दोनों की बना रहे। ए, ए। ये देखो जो मोड़ी है ले बना ले ले बना ले बना ले। अमा चाचा बेटी ने की बना। हां
ये हमारी बेटी है। ये देखो इस घर की, इस खानदान की एक छोटी सी लड़की कन्या। ए का नाम का है? नातिन। अरे नातिन का की पोती है। नातिन कई लड़का की लड़की है? अच्छा नातिन तो और अच्छी बात है। देखो देखो हम ये दादी बन गए, देख लो देख लो। ये मेरी नातिन है और हम इसकी दादी हैं, है ना? ये बन गए दादी। नानी तो बने ही थे, दादी भी बनी गए। अरे 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 इधर देखो, इधर हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय। हाँ दिख गई, दिख गई कैमरा, दिख गई। बोलो हेलो, बोलो बेटा। ये लाली बाई कहाँ गई? लाली बाई बेटी है। ये मेरा नाती है, मैं नानी हूँ, वो दादी थे हम उनके, ये नानी है। देखो हाय करो, हाय करो, हाय बाय 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 लाली बाई दादी मजा आएगा लाली बाई का तो। तो ये लाली बाई खुशी के मारे नाचने लगी है, बड़ी जोरदार वाली। तो ये लाली बाई है, बड़ी खुशी हुई गई है। लाली बाई पता लग गया, वीडियो बन गई मेरी। लाली भाई ये लल्लू है, पर है पता लाली नहीं है ना, इसलिए लाली भाई नाम रख दो इनका। अब ये देखो मेरी छोटी सी फैमिली है बच्चों की, देखो राम राम। ये मुझ ये मेरी बड़ी बिटिया है, ये छोटी है और रेनू बेबू है, और ये मम्मी है, ये दीदी है, वो देखो मुच्छर बाबा है। वो देखो गेट के सामने खड़े मुच्छर बाबा, वो मुच्छर बाबा भाग रहे, अरे मुच्छर बाबा तो आई गए कैमरा में, आई गया मुच्छर बाबा। ये भाई साहब है मेरे, भाई साहब की शक्ल नहीं आ रही ढंग से। मुंह खोल देने का फोटो ले, मुंह खोल दे। हां खोल दे, बता दे गुदड़े। ये भैया, ये भैया है मेरे, भाई साहब है। देखो आए गए बच्चे बाबा। अब बाबा ये चोना ले रहे मोना पतो। ये भाई साहब है मेरे गांव के, भाग गई भाग गई। ये कैमरा का बहुत पावर होता है, कोई कैमरा आएगी चप्पल। तो ये मेरी मम्मी है, और ये देखो मम्मी की दोनों भाभियां हैं। देखो ये माई है और ये मेरी मम्मी है। तो देखो नंद भौजाई को मिला नुई को भैया। देखो पत्थर को कैसे बनाया। ये देखो छत पे आई गई धूप में, थोड़ा परेशान हो गए हैं इसलिए ये बैठे हैं। इन्हें हवा लग गई है, माथे में दर्द हो इनके, ये जा ही रहे हैं। साबुन आबुन तो पता नहीं। देखा माई की वीडियो बना ला, मम्मी की वीडियो बना ला। माई इधर देखो,
तो ये है मेरी दोनों माई है ना, ये मैया सास हैं, तो माई है मेरी तो, पर ये मैया सास है, ये मेरी मम्मी है, आप लोग जानते हो मम्मी की भाभियाँ हैं दोनों, तो हो ही गई हैं माई मेरे फोन में कैद। तो जे जाए रहे नीचे नए दो जाए, अब हम लोग नाने का जुगाड़ करें कहीं ना कहीं, कहाँ मम्मी ना है। राम रतन भैया करे और यही नाव दो से जाए रे। मैं तो भैया ही बोलती हूँ, कोई फर्क ना पड़ रहा, जेड बोला भैया बोला भैया ही बोलू मैं तो, भाई साहब मैं तो भैया बोलती हूँ। तो ये देखो, अरे मैं तो राम रतन भैया को घर है, देखो सब जने सबको दिखाए हैं। ये राम रतन भैया की छोटी वाली बहू है, उन्नत बहू है, ये नातिन है, ये तो मेरी है माई है ना, ये दोनों माई है, ये मम्मी है, मम्मी मेरा बड़ा शौक है। तो हम आए गए हैं नहाए धोए के, बाल बहुत गीले हो गए हैं और दीदी के छत पे बैठ मतलब यहीं बैठे हैं, अभी कुछ नहीं करो, पता नहीं कब क्या करो जे। और ये बैठी हैं आरती और बच्चन को कर रही हैं नहलाए धुलाए के तैयार। हम इसलिए बैठ गए कि सर से पानी से नहा लो है, गीले हो रहे बाल बहुत ज़्यादा। ये देखो मेरे मेरे छत का माँ कोई नहीं है छत पे, इसलिए बैठ गया है छत पे। पूनम की नन्ना है, माई है, सब सब काना की बातें हो रही हैं। देखो अब काना है ना, इसमें हम गुस्सा करो उसकी बातें हो रही हैं। अब काना बड़ो हुई गो, समझदार हुई गो, अब तो नहीं ब्याह करे थी। तो सब हो चुके हैं, रिश्तेदार आ चुके हैं, अब हम भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, पलट के जाए। ये रेनू है, ये सब देखो यहाँ से हम जा रहे हैं। अब हम ये रेखा कह रेखा आरती, ये भाई इतने कपड़ा कौन लेके आओ, 20,000 आएगा। हम पलट के स्टेशन पे आ गए हैं, ब्याना स्टेशन है ये। हम स्टेशन पे आए हैं, हमारी तबीयत खराब हुई गई है और हम रुके भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि गए थे सुबह ही, पहुँच गए थे रात को लगभग 4-5 बजे पहुँचे थे। फिर हम लोग थोड़ा देर वो बातचीत करी, 1.5 घंटा सुबह लग आग लग गई, फिर आने जाने माहौल लग गो सबको, फिर हम रुके नहीं, हम दोनों जने आए गए, बाकी सब जने आए, और हम बच्चे नहीं लेके आए किसी को, इसलिए हम दोनों जने नहीं रुके। ये मेरे हाथ हिला रहे आप लोगों को देख सकते हो, स्टेशन पर बैठे हैं स्टेशन। कौन सी गाड़ी है? तो हमने चूड़ी भी यहाँ आए के पहनी है, क्योंकि कल गुरु ने स्कूटर से पर कटी, तो हमारे यहाँ चूड़ी बदली जाती है, परिवार में ख़त्म भाई ना, तो चूड़ी वूड़ी सब बदली जाती है। तो हमने क्या है कि चूड़ी यहाँ व्याना में पहनी, तो देख सकते हो कितने मेरे चोट लग गई है, कांच घुस गई है, बूढ़ी अम्मा ने चूड़ी पहनाई है, बहुत सारी चोट लग गई मेरे को, तुम बहुत ज़्यादा करो, और चूड़ी बदलना ज़रूरी था कि कल गुरुवार है, चूड़ी बदल नहीं सका था। हमारी गाड़ी अभी तक नहीं आई है, और हम लोग बैठे हैं स्टेशन पे, और बहुत ज़्यादा तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई है, माथे में दर्द होना, सब रो है, गोली सही नहीं आराम पड़ी है, पर दर्द तो रहा था, उल्टी उल्टी हो गई गाड़ी में, तो ऐसे करके, और हम गाड़ी के इंतज़ार कर रहे हैं। देखो पब्लिक है, अब
ट्रेन आ जाए बैठ जाए जब आराम पड़े जाए जब फिर खाना ना खा के गोली वोली खा ले फिर देखीजिए। चलो इगो ताऊ को आज लास्ट दिन है तो जो सब इगो उनका अच्छा अच्छा अब भगवान उनकी मुक्ति दे। इतनी जाली वाली गाड़ी देखी खुली खुली मतलब दिक्कत भी है इंसान बैठे हुए और देखो ये तो देखो जमीन में बिस्तर लगाए लगा के सो रहे ये पैसेंजर है पुनः भाव में लगत कोई सी इंटरसिटी है जब वही तो इतना उसी में इतना राउंड ग्राउंड है सब इंटरसिटी का होती है। हाँ देखो ये देखो पर हमारी गाड़ी एक डेढ़ घंटा लेट है बहुत ज़्यादा लेट है डेढ़ घंटा लेट गाड़ी है दो घंटा लेट गाड़ी है बहुत ज़्यादा परेशान हुई गए हैं सही बता रहे बहुत दिमाग खराब हो रहा मेरा तो अब आ जानी चाहिए गाड़ी। और बताओ सर्दी में अब की बार तो बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर लो सर्दी में बहुत ज़्यादा सफ़र है सर्दी का अब क्या कराना नहीं पड़े क्या ताऊ ख़त्म भाई बड़े ससुर ख़त्म भाई आखिर में इंसान जाने वालों वापिस तो आता नहीं है तो जाएगा कम से कम उनके उम्र शामिल तो हो जाए इसलिए तो हम आए थे ससुराल में मेरे आप जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग के ब्लॉग में बताऊँ तो अब हूँ आए कि मैं हूँ सब चीज़ से निमट भी गए हैं और रुकने का टाइम है तो नहीं क्योंकि रुक तो हम जाते हैं आज क्योंकि हमारी भी ताकत नहीं थी पलट के जाने की लेकिन कल गुरुवार है तो हम गुरुवार को लिखल नहीं सकते इसलिए मेरे को आज ही जाना पड़ो। और मेन चीज़ है मैं बच्चे नहीं किसी को लेके आए हैं तो बच्चे ने पेपर भी तैयारी कर रहे हैं इस वजह से बच्चे भी परेशान हो जाते जब रुकना ही नहीं है तो इस वजह से अब मेरे क्या है कल से मेरे जो परिवार में घर पे शादी है उनका फंक्शन चालू हो जाए तो इस वजह से फिर मैं नहीं शामिल हो जाए तो भी मेरे संगे गलत बात हो जाए कि देखो जब पता है कि शादी दो दिन बाद है चार दिन बाद तो ऐसे करके क्योंकि 4 मार्च को उसकी शादी है छोरी की तो इसलिए सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं सारे संबंध निभाने पड़ते हैं क्योंकि भाई संबंध है तो संबंध निभाने पड़े तो इसलिए दीदी वो रोक रही थी सब रोक रहे थे पर हम नहीं रुके और जी में मेरे देवर जी मम्मी सब वहीं पे आए पर हम चले आए क्योंकि बाजार का मामला है और बच्चे अकेले छोड़ के आए तो हमें कहीं ना कहीं सही नहीं लगा है तो हम लोग फिर मेरे तो सर के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है अब मैं जाएंगे कहीं ठीक करें सर दर्द पता नहीं क्यों हो जाता है बार बार तो देख सकते हो अब गाड़ी तो मेरी आई नहीं है बहुत लेट है मेरी ट्रेन लगभग बज गई है कितने बज गई है 10:05 हो चुके हैं और ये गाड़ी आने वाली थी 9 बजे स्टेशन पे तो अब गाड़ी 11 बजे है तो अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं खाना भी नहीं खाओ कि गाड़ी में बैठ के आराम से खाएं क्योंकि आप लोगों को स्टेशन की दशा ही दिखाएं क्योंकि ये नया स्टेशन बन रहा है तो इस वजह से खाना खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। देखो स्टेशन कितना गंदा ही गंदा है मिट्टी मिट्टी है कहीं खाना खाओ तो उसके संगे मिट्टी भी खानी पड़ जाए तो जाके मैंने तो हम दिखा रहे हैं आप लोगों के स्टेशन के इस वजह से खाना नहीं खा पा रहे हैं। आखिरी में हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे और आज का ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना सब्सक्राइब करना देख सकते ये गाड़ी है जिसमें हम बैठे थे उतरे हैं अब और देखो ये ट्रेन आई भी गई है नहीं ये ज़्यादा हिले ना अच्छे तो ये देखो